आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में भी कोरोना का मामला सामने आया है। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का 22 सितंबर को होने वाला मैच अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से होगा। आईपीएल 2021 में यह दूसरी बार है जब कोरोना का मामला सामने आया है। अप्रैल मई में जब ये टूर्नामेंट भारत में हुआ था तब भी कोरोना के मामले इस टूर्नामेंट में सामने आए थे। इसके चलते 29 मैच के बाद आईपीएल को रोकना पड़ा था। तब दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद में कोरोना के मामले सामने आए थे। इसे देखते हुए आईपीएल 2021 के बाकी बचे 31 मुकाबलों को यूएई में करवाने का फैसला किया गया। आईपीएल का आयोजन बायो बबल में करवाया जा रहा है और खिलाड़ियों को कड़े सुरक्षा दायरे में रहना होता है, लेकिन फिर भी कोरोना केस सामने आ रहे हैं। आईपीएल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नटराजन आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को बाकी खिलाड़ियों से अलग कर लिया है, उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं मिला है। मेडिकल टीम ने 6 लोगों की पहचान की है जो नटराजन के करीबी संपर्क में आए थे। टीम से जुड़े बाकी खिलाड़ियों और लोगों के आज सुबह 5 बजे टेस्ट कराए गए थे और सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके चलते दुबई में शाम को होने वाला मैच अपने तय समय के हिसाब से होगा। टी नटराजन हाल ही में घुटने की सर्जरी से ठीक होकर वापस आए थे। सर्जरी के चलते वे काफी समय से क्रिकेट मैदान से दूर रहे थे, इस वजह से वे आईपीएल 2021 के पहले हाफ में भी नहीं खेल पाए थे। उन्होंने आईपीएल 2020 में हैदराबाद के लिए अच्छा खेल दिखाया था। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए डेब्यू किया था और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया था। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।